तो मैं बचपन से बहुत ज्यादा फैसिनेटेड हूँ डिफरेंट करेंसीज के पीछे, स्पेशली बैंक नोट्स। तो जितनी भी मैंने बैंक नोट्स देखी हैं, उन सब में एक चीज कॉमन, मोस्टली एक कॉमन रहती है, वो है कि इनके बैंक नोट्स पर यहाँ की फेमस पर्सनालिटी या फिर फ्रीडम फाइटर या फिर जितनी भी फेमस पर्सनालिटी जो है यहाँ कंट्री में, उन्होंने जो कॉन्ट्रीब्यूशन किया इनके कंट्री के लिए, उनका पोर्ट्रेट या फिर फोटो होता है। जैसे कि हमारे इंडिया में महात्मा गांधी है। तो मेरे मन में हमेशा एक क्वेश्चन आया है कि जो ये फ्रीडम फाइटर है, जो भी फेमस पर्सनालिटी है, उनकी फोटो क्यों है और उन्होंने क्या काम किया है। तो ऐसे बहुत पहले मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया था कि जो हमारे महात्मा गांधी है, सिर्फ इनको क्यों रखा गया है। क्योंकि अगर हम देखें, इंडिया में बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स आए हैं और उन्होंने बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रीब्यूशन किए हैं हमारे इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने में। तो यहाँ सिर्फ महात्मा गांधी क्यों, कोई और फ्रीडम फाइटर क्यों नहीं, तो इसी ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंडिपेंडेंस के बाद आरबीआई ने इंडिया की न्यू करेंसी लॉन्च की और इसका मेन फीचर था अशोका पिलर, यानी कि जितनी बैंक नोट्स थी उनके अंदर किसी भी फ्रीडम फाइटर या फिर किसी भी फेमस पर्सनालिटी की पोर्ट्रेट या फिर फोटो नहीं थी। तो फिर 1987 में आरबीआई ने पहली बार 500 रुपीज की नोट पर एक फेमस पर्सनालिटी फिर फ्रीडम फाइटर की फोटो डाली, जो कि थे महात्मा गांधी। फिर 1996 में जितने भी अशोका पिलर की सीरीज के बैंक नोट्स थे इनको डिसकंटिन्यू कर दिया, यानी कि इनको छापना बंद कर दिया। और फिर 1996 में महात्मा गांधी सीरीज लाए और जो कि अब तक वो चलते आ रही है, जिसके अंदर महात्मा गांधी जी का पोर्ट्रेट है और वाटर वर्क में भी महात्मा गांधी जी हैं। तो आरबीआई ने महात्मा गांधी क्यों चूज किया, इसके पीछे बहुत से रीजंस हैं। तो अभी मैं आपको बारी बारी करके रीजंस बताने वाला हूँ। तो कोई ऐसी बैंक नोट जिसके ऊपर किसी भी इंसान की तस्वीर ना हो, सिर्फ ऑब्जेक्ट हो, जो कि हमारे टाइम अशोका पिलर हुआ करता था, तो इसको काउंटरफिट करना, यानी कि इसका नकली तरीके से छापना बहुत इजी पड़ जाता था। और इस टाइम जो नकली बैंक नोट थे बहुत ज्यादा छपने लगे थे, बहुत ज्यादा मार्केट में आ गए थे। तो इसको रोकने के लिए आरबीआई ने सोचा कि हम अपने नोट्स पर कोई फेमस पर्सनालिटी या फिर फ्रीडम फाइटर रखेंगे, जिससे कि जो काउंटरफिट, जो नकली तरीके से बैंक नोट छाप रहे हैं, इनको कम कर सके। तो उन्होंने इसके लिए महात्मा गांधी चूज किया और इसकी वजह से जो महात्मा गांधी आए थे। तो जो हमारा इंडियन रुपी है वो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। और जैसे कि हम लोगों को मालूम है, हमारा इंडिया बहुत ही ज्यादा डाइवर्स कंट्री है, जहाँ हर रिलीजन, कम्युनिटी और स्टेट के अपने लीडर्स हैं। जैसे कि महाराष्ट्र के लिए शिवाजी छत्रपति महाराज, रानी लक्ष्मीबाई मध्य प्रदेश के लिए, और रिलीजन्स में देखें तो मुस्लिम्स के लिए मौलाना आजाद, एपीजे अब्दुल कलाम, हिंदूज के लिए स्वामी विवेकानंद और उनके गॉड्स, गुरु नानक, सिक्स के लिए और दलित के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर। तो जितने भी लीडर्स हैं, गॉड्स हैं, वो पर्टिकुलरली एक कम्युनिटी या रिलीजन या स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, जहां गांधी जी पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि पर्टिकुलरली कोई एक रिलीजन, कम्युनिटी और स्टेट को। तो अगर हम कोई और लीडर डाले हमारे बैंक नोट्स पर तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम्स जैसे कि हर रिलीजन, स्टेट, कम्युनिटी अपने लीडर्स को नोटों पर देखना चाहेगा, जिससे क्या होगा कि हर स्टेट मांग करेगा कि हमारे लीडर को इस नोट पर डालिए, उस नोट पर डालिए, जिससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, कॉन्ट्रोवर्सी तक क्रिएट हो सकती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है इससे। और जो दूसरी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है वो है डिनोमिनेशन वाली। डिनोमिनेशन को समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज कोई महाराष्ट्र का लीडर 10 रुपीज के नोट पर है और कोई मध्य प्रदेश का लीडर 100 रुपीज के नोट पर है, तो भी प्रॉब्लम हो सकती है कि लोगों को लगेगा कि जो हमारे लीडर है वो इतने छोटे डिनोमिनेशन पे क्यों, इनको बड़े डिनोमिनेशन पे होना चाहिए, जिससे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन सब प्रॉब्लम्स को काउंटर करने के लिए महात्मा गांधी सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि वो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि सिर्फ कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन, कम्युनिटी या स्टेट को। तो इस वजह से महात्मा गांधी को इन पर चूज किया गया। तो जैसे कि मैंने पहले ही कहा, जो हमारा इंडियन रुपी है वो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, तो उसके अंदर कोई ऐसा लीडर होना चाहिए जो कि एक अच्छा मैसेज पहुंचाए। महात्मा गांधी जी जो कि फादर ऑफ द नेशन है, इनकी जो थिंकिंग, इनकी जो आइडियोलॉजी है वो है कि सत्याग्रह, सच हमेशा बोलो, अहिंसा, झूठ कभी मत बोलो। इनकी एक अच्छी अच्छी आइडियोलॉजी और थिंकिंग है जो कि हमारे इंडिया को एक अच्छा मैसेज पहुंचाती है। और इनके बहुत सारे मूवमेंट जैसे कि खिलाफत मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये सब मूवमेंट सक्सेसफुल हुए और ये सब मूवमेंट वायलेंटली या फिर अहिंसा के तरीके से किए गए, और ये हमको अच्छा मैसेज देते हैं। और इसी की वजह से जो महात्मा गांधी जी हैं इनको रखा गया है, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी देख के हमको एक अच्छा मैसेज मिलता है। तो आपने जैसे कि देखा होगा बहुत सारे बैंक नोट्स पे, इनके नोट्स पर मोस्टली उनके फेमस पर्सनालिटी होते हैं। तो जो हमारे इंडिया के जो नोट्स है उनके अंदर एक ऐसा लीडर होना चाहिए जो कि ग्लोबली माना जाना होना चाहिए, कि कोई भी देख के पहचान सके कि हाँ ये इंडिया का रुपी है। तो महात्मा गांधी से अच्छा कोई हो नहीं सकता है, क्योंकि जितने भी महात्मा गांधी के मूवमेंट्स है, उनकी आइडियोलॉजी, इनकी थिंकिंग, उनके जितने मूवमेंट थे बहुत ज़्यादा फेमस थे पूरे वर्ल्ड वाइड। और इनका जो सबसे एक इनका जो तरीका था अहिंसा, वो बहुत ज़्यादा फेमस था ग्लोबली। इसके से महात्मा गांधी ग्लोबल पर्सनैलिटी भी हैं।
और ये भी रीज़न बताया कि महात्मा गांधी जी हमारे नोट पर क्यों हैं। तो यही सब रीज़न था कि महात्मा गांधी को हमारे नोटों पर क्यों रखा गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो थैंक यू पूरा देखने के लिए, और एंडिंग में बोल रहा भाई सब्सक्राइब करके जाना और अच्छी अच्छी वैसी वीडियो मिल जाएंगे।